बकवास मत कर, ज्यादा बात करेगी तो मेरा बट तारीफ करना चाहेंगे सिद्धार्थ आप Dann beginnt das Leben für einen Augenblick. Assalamualaikum. Chilli Direct में मैं हूँ ज़ैन. मैं हूँ अकमल. उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे. तो यार आज हम रिएक्शन करने जा रहे हैं सिद्धार्थ जो हमारे साथ नहीं रहे. रिसेंटली उनकी डेथ हो गई है यार. तो यार बहुत अफसोसनाक खबर है. अचानक यार वो जैसे यार वो लास्ट कौन फोत हुआ था वो जो सुशांत वो भी काफी अच्छे एक्टर थे लेकिन फोत हो चुके हैं इतनी कम उम्र में यार. वो भी फोत हो गया, ये भी मर गया. उसके बाद यार वो जो उसकी यार जिसके साथ वो रह रहे थे यार जिसके वीडियोस हम देखे क्या ना शहनाज गिल यार इतना प्यार था दोनों में यार. बहुत अपसेट है. पहले हम यार उसके मूवमेंट देखेंगे जहाँ वो दोनों मिले थे बिग बॉस के. उसके बाद हम देखेंगे कि लास्ट उनका इंटरव्यू हुआ है वो 2-3 मिनट के इंटरव्यू और उसके बाद जो उसके वो मूवमेंट है डेथ के और उसको देखने जाती है वो सारी आपके साथ शेयर करते हैं और आप एंड तक हमारे साथ देखिएगा. चलें वीडियो शुरू करते हैं. जान बहुत प्यार है थोड़ा वायरल ज्यादा हो रहा है आजकल. तू ढक्का रह तू बस कर हिम्मत है? नहीं है मुझ में. चल निकाल मैं अभी मुझे निकाल तुम आज तब क्यों नहीं लेकर आया ठीक है पानी में उठाकर हाँ, लेकर जाने के भी बात करो. क्यों नहीं लेकर आया बताओ. कैरेक्टर असैसिनेशन मत करो. उधर ही देखना तो मेरे उधर पहले देख रही है. मेरे साथ फालतू बकवास मत किया कर. मैंने पहले भी बोला ठीक है ना. शुरू फिर तू ही कर. इतना मान था अपने प्यार के ऊपर देखना इधर देखना. पानी में तुम डूब क्यों नहीं गए सारे क्योंकि पानी कम था. तेरा मन करे तू अबे चुप है तभी मेरी बात मत कर. मैं वेट करती रहती हूं. मैं बातें कोई वेट नहीं कर रहा. कब आएगा कब आएगा कब आएगा. मैं पूरी रात सो के उठ गया. अब कब आएगा कब आएगा मतलब मैं क्या करूं. कब आएगा मतलब चेन से बांध दो मेरे को. वो वाला टास्क रियल कर दो. हाथ पकड़ के खड़ा रहना. अब ये वीडियो देखे को लगता है कि यार ये मर गया. मेरे साथ थोड़ा करना होगा. सोच नहीं आती यार बकवास. चलो हम तो यार एक व्यूज है. हम तो उनके सिर्फ एक स्टार था. हम उनके उनको देखते थे लेकिन जो उसके साथ रहती थी उसके लिए कितना यार मुश्किल होगा. बहन मत देखो मेरी तरफ. पागल हो गया ये. चोरों के साथ रह रहे कर चोर नजर से देखते रहता. मेरे सामने मत चल. देख मत. तू पागल है. जब मैं तेरे को बुला रही तो देख मत. Keep your ego and your attitude. देख मत मेरे तरफ. Under my shoe. देख मत यहाँ से. मेरे पे फेंक मत. चाय फेंकूंगी तेरे ऊपर. हाँ पता है मेरे को जिसके साथ घूम रही है वही काम करेगी ना. किसके साथ घूम रही हूँ मैं. मैं तो किसी के साथ घूम ही नहीं रही. तू मेरे को ब्लेम तब करना जब मैं किसी के साथ हूँ. कोई ब्लेम कर ही नहीं रहा ठीक है ना. दिख रहा है हरकतें देखो. तेरी वजह से मैं किसी के साथ बात भी नहीं कर रही. मेरे साथ हेलो प्लीज गलतफहमी मत करो. जिससे बात करनी करो. जिसके साथ बैठना बैठो. मेरे वजह से कुछ मत करो. मेरे साथ मत करो. मैं अकेली ठीक हूं. हां ठीक है ना. मुझे किसी की जरूरत नहीं है. तुझे होगी मुझे नहीं है. तेरा बेड नहीं है. मेरा बेड है. तेरे बाप का बेड नहीं है ये. तेरे बाप पे मर जाना पहली बात तो समझी ना. वरना भेज दूंगा मेरे बाप के पास. बकवास हाँ, मत कर. ज्यादा बात करेगी तो मेरा फायदा उठाया जा रहा है यहाँ पे इतना ज्यादा. कुछ बोलती नहीं हूँ ना इसलिए. पेट अंदर का चुपचाप. पेट अंदर ही है बाहर निकला है पेट. बता ये जो लास्ट उनका इंटरव्यू है ना ये वो है. अरे सर क्या बात है. बहुत ज्यादा सदमा लगा. आपके लिए
इनके जैसे पहले थे, ठीक है, जैसे ये बिग बॉस में थे वैसे ही है। और अभी पतले लग रहे हो आप, स्टाइल वाइज में कुछ स्टाइल तो वही फुल पहले भी स्टाइल वैसा ही था, थोड़ा थैंक गॉड तूने शॉर्ट्स नहीं डाल के। ओके, जानना चाहूंगी यू नो म्यूजिक एल्बम के लिए आपको बहुत आप लोग जा रहे हो उसके वो बात कर रहे हैं कि वो ना सॉन्ग आने वाले थे। मैं कहूंगी कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आप भी बड़े अच्छे लग रही है। दांत पे जो लिपस्टिक लगा वो सबसे अच्छा लग रहा है, कुत्ते। बट तारीफ करना चाहेंगे सिद्धार्थ आवाज भी इसमें लगी आपके दांत में जो लिपस्टिक लगा हुआ है। लेकिन उन्होंने वेट लॉस किया, वेट लॉस अच्छा, आपने वेट लॉस किया, क्या बात है, कैसे किया आपने? हां मैं को नहीं बताता था, तूने बताया, आपने बताया, सॉरी। ओके okay, अंदर जाने वाले क्या प्लान बताएंगे? अंदर के प्लान अभी बता दूंगा, तुम लोग देखोगे नहीं? हम देखेंगे जो तो देखो, फिर देखो, बहुत मजा आने वाला है। थैंक यू सो मच, मजा आएगा। क्या करेंगे अगेन, बिग बॉस कनेक्शन है तो अमेजिंग जोड़ी साथ आई है, जिनका कनेक्शन फैंस को भी पसंद है, क्या कहेंगे? स्टे कनेक्टेड, ठीक है, स्टे कनेक्टेड तो है ना, इनका हैशटैग है ना। बहुत अच्छा लग रहा है और बिग बॉस में आना आने में बहुत मजा आता है, बिकॉज बहुत सी सारी यादें हैं और वही घर है, अब नए कंटेस्टेंट्स आए हैं तो उन्हें देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है। अभी सिर्फ एक हफ्ता हुआ है, सो मिलेंगे, बातें बातें करेंगे, मजा आएगा। देख पाए आपकी जो बिल्कुल बिल्कुल देख पाए, रेगुलरली देख रहे हैं, क्या कहें आपकी क्या राय इस बात? मेरे को तो अच्छा लग रहा है, अब तो पहला हफ्ता है, बहुत जल्दी है कुछ भी बोलने के लिए। यार लोगों को ऐसा नहीं ना करना चाहिए, वो देखो कितने परेशान है, तो ऐसे लोग कैमरा लेके ऊपर चढ़े हुए हैं, काफी परेशान है यार शहनाज। और यहाँ पे शहनाज गिल आ चुकी है, देख सकते हैं आप शहनाज गिल, थोड़ा पीछे शहनाज गिल, शहनाज गिल काफी पसंद आई है, शहनाज आई है। ये कौन है, कौन है? अरे हटो बे, ये कौन है? अरे वो जलाने वाला है, अभी जा रहे हैं। अरे क्या बात, देखो देखो ये देखो, अरे वो उसको जलाने को गए।
नहीं बोल सकते अरे अंदर अलाउड नहीं है मम्मी कैमरा कैमरा अरे अभी इसमें आ रही है शहनाज नहीं वो तो दूसरे जगह है इसमें सिद्धार्थ होगा यार काफी प्यार था दोनों में मेरे पास तो याद है ना फालतू यार वो उनकी इतनी अच्छी केमिस्ट्री थी कि यार पूरी इंडिया और पाकिस्तान में जहाँ जहाँ हिंदी सुनी जाती है ना वो सबको पता शनाज इसका ये वाला डायलॉग भी इसने इसके लिए सिद्धार्थ के तू मेरा है सिर्फ मेरा है मुझे गेम इनके ऊपर मीम बने हैं इतने यार हमारे कुछ दोस्त हैं उन्होंने इनके ऊपर रिएक्शन दे दे के अपना चैनल स्टेबल किया हुआ है तो यार बहुत बड़ा यार हादसा है शहनाज के लिए हमारे लिए तो यार एक हम तो फैन हैं हम तो कल भूल जाएंगे महीना दो महीने लेकिन उसके लिए बोलना बहुत मुश्किल है शहनाज जो उसके साथ रहती थी उससे प्यार करती है काफी ज्यादा उनकी केमिस्ट्री बड़ी यार हाँ। अच्छी हो गई थी दोनों में तो यार हम नेक्स्ट वीडियो तक करना dann beginnt das leben für einen augenblick